बच्चों, आज हम सेंटीमीटर क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों करें इसके बारे में जानेंगे। चंदा वस्तुओं की लंबाई को नापने के बारे में अप्पू से सीखकर इतनी खुश थी, वो हर वस्तु की लंबाई को रस्सी लेकर नापने लगी। एक दिन जब अप्पू उसके घर खाने पर आया तो उसने देखा कि चंदा ने उसके घर के कोने में एक रस्सियों का ढेर बना रखा था और हर रस्सी पर किसी वस्तु जैसे टीवी, मेज, चम्मच इत्यादि का नाम लिख रखा था। अप्पू ये देखकर चौंक गया। जब उसने चंदा से पूछा तो चंदा ने उसे कहा कि उसने रस्सियों की मदद से अपने घर के विभिन्न वस्तुओं की लंबाई माप रखी थी। अप्पू हंस पड़ा। उसने चंदा को एक सवाल पूछा, मान लो अगर तुम घर के बाहर हो और तुम्हें किसी वस्तु की लंबाई नापनी हो और अगर तुम्हारे पास कोई रस्सी ना हो तो तुम क्या करोगी? चंदा ने कुछ देर सोचा लेकिन उसके पास अप्पू के सवाल का कोई जवाब नहीं था। फिर अप्पू ने उससे एक और सवाल पूछा, अगर तुम्हें किसी वस्तु की लंबाई का नाप किसी व्यक्ति को बताना हो और वो व्यक्ति तुम्हारे सामने ना हो तो तुम उसे अपनी वस्तु की लंबाई कैसे बताओगी? चंदा के पास अप्पू के इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। बच्चों, क्या आपके पास अप्पू के इन सवालों का कोई जवाब है? नहीं? कोई बात नहीं, आइए देखें अप्पू चंदा को इन सवालों का क्या जवाब दे रहा है। अप्पू ने चंदा से कहा कि इन सभी समस्याओं को वो एक बहुत आसान तरीके से सुलझा सकती है, सेंटीमीटर की मदद से। चंदा कुछ समझ नहीं पाई। उसने अप्पू से तुरंत पूछा, ये सेंटीमीटर क्या होता है? सेंटीमीटर लंबाई नापने की एक इकाई है। हम किसी भी वस्तु की लंबाई को सेंटीमीटर में नाप सकते हैं और सेंटीमीटर एक ऐसी इकाई है जो हमेशा एक समान रहती है। अब चंदा ने अप्पू से कहा कि वो सेंटीमीटर के बारे में तो समझ गई, लेकिन वो इसे कैसे इस्तेमाल कर सकती है और वस्तुओं की लंबाई को कैसे नाप सकती है ये अब भी समझ नहीं पाई। अप्पू ने चंदा को क्या उत्तर दिया और हम सेंटीमीटर का इस्तेमाल वस्तुओं की लंबाई नापने में कैसे कर सकते हैं ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हमने सेंटीमीटर क्या है और इसका इस्तेमाल क्यों करें इसके बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण द्वारा सेंटीमीटर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे।